नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मी प्रफुल्ल जाधव, मनसेश्वर उपाध्यक्ष, विरार पूर्व। आज तुम्ही पाहू शकता हे दोन व्यक्ती आहेत, नाला सोपारावरून मनवेलपाड्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पावत्या घेऊन वर्गणी काढत होते, आणि याच्या खिशामध्ये, या व्यक्तीच्या खिशामध्ये शिवसेनेचं जे सभासद नोंदणीचं कार्ड आहे ते ज्या सापडलेलं आहे, आणि त्याला म्हटलं मी तुला कोणी पाठवलं आहे, त्याच्याकडे ना कुठला कार्ड आहे ना काय नंबर आहे, ज्या मनसेवाल्यांनी पाठवलं त्याचं सुद्धा नाव नाही, परंतु शिवसेनेचं कार्ड त्याच्या खिशामध्ये आहे, ते शिवसेनेचं कार्ड, आणि हा मनसेच्या नावाने वर्गणी पाठतो आहे। आणि हे तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही कुठून आलात? मोरेगावमधून आले। आणि तुला वर्गणी काढायला कोणी सांगितली? हा, तुम्ही इकडे काय करणार? कार्ड तुझ्या शिवसेनेचं आहे, तू मनसेची नाव वर्गणी काढतोय, हे तुझं आहे ना नाव कोणाचं आहे? हा, मग तुम्ही मनसेच्या नावाने वर्गणी कशी काढता इकडे? आणि तू नाला सोपारून इकडे कसा आलात? फिरत आलो राहताकडे तुम्ही? हा, इकडे बघा, कुठे? मोरेगावला राहतो ना। नाव काय तुझं? शिवा। पूर्ण नाव काय? तुझं? अभिषेक गावणकर। तुम्ही नाला सोपारा राहता आणि मनवेलपाडा विरारमध्ये तुम्ही वर्गणी काढायला आलात, आणि शिवसेनेचं ओळखपत्र किशात ठेवता आणि मनसेच्या नावाने वर्गणी काढतायत। तुम्ही एवढं लांब, तुम्ही हे कसं करता? चुकलं तिथं सॉरी बोला की आमच्या आम्ही मनसेच्या नावाने चुकीची पावती काढत आलो, आणि आम्ही वेगळ्या वार्डमध्ये आलो आणि चुकीची पावती काढले शिवसेनेचं। तुम्ही लांब आलो आणि आमच्या मोरेगावपर्यंत आलो, मग तुम्ही हे पुस्तक फिरवायचं ना परत? तुम्ही शिवसेनेचं घ्या, शिवसेनेचं फिरवा, वर्गणी काढा, शिवसेनेच्या नावाने वर्गणी काढा। मनसेचं नाव खराब करायचं नाही। सुपारी घेतलं का तुम्ही पक्षाचं नाव बदनाम करायची? हा, कोणी तुम्हाला सांगितलं या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी? कुठे आहेत ना तुम्ही? जे राहतात ना वर्गणी करता, पक्षाचं नाव खराब करू नका, कळलं का? आणि शिवसेनेचं कार्ड तुम्ही किशात ठेवता आणि मनसेच्या नावाने वर्गणी काढता, उद्या परत मनसेचं कार्ड किशात ठेवणार आणि शिवसेनेच्या नावाने वर्गणी काढाल? तुम्ही पक्षाला खराब करू नका, एक निष्ठे राहा, एकाच ठिकाणी राहा। कार्ड तुझ्या किशात सापडलं नाही? तुझंच कार्ड आहे ना? सांग इथे, बोल की माझं कार्ड आहे, माझं कार्ड आहे, हे बनवलेलं आहे, याला बरीच वर्ष झाली आणि मनसेच्या नावाने वर्गणी काढतोय, एक निष्ठे राहा कुठं ते पक्षामध्ये? चुकी झाली आमच्याकडून, त्याच्या पुढे होणार नाही। इस समय हमारा साथ में मनसे के प्रफुल्ल जाधव है, विरार के मनसे नेता है, विरार में रहते हैं। इनका कुछ एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस बारे में इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा है, वो वीडियो क्या है? बात है, दो लड़के लोग नाला सोपारा से मनवेलपाड़ा पार्किंग मार्केट में उन्होंने मनसे का पावती लेके, ये कुछ और था जयंती का, इस पावती पार्टी का है। उन्होंने मुझे मार्केट में से रिलेशन अच्छा होने से वजह से मार्केट में से फेरी वालों का फोन आया मुझे कि आपके पक्ष के नाम से जो पावती फाट रहे, तो तुरंत वहाँ पे पहुँचा। तो मैंने उनको पूछा, वो शक्ल से तो बेवड़े लग रहे थे, ड्रिंक किया हुआ उन्होंने किया, और उनके हाथ पास में ना मोबाइल था, दोनों के पास मोबाइल नहीं था। आपको किसने भेजा मुझे? तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। बाद में उनका मैंने पर्स चेक किया, पर्स में किसी ने का आईडी मिला जो सभासद मोदी होता है, मतलब आपको किसने भेजा? तो बताया नहीं, सॉरी बताया कि आप लोग से गलती हुआ, हम यहाँ पे आया। मैं उन्होंने एक सलाह भी दिया, जिस पक्ष में हो, जिस पक्ष में एक निष्ठा रहो, आप किसी पक्ष का नाम बदनाम मत करो। कल यहाँ आपने जो बात की, इसमें दो पक्षों का नाम बदनाम हो रहा है, दो पक्ष का, एक तरफ मनसे का नाम भी बदनाम हो रहा है, मनसे के नाम से गंदा हो रहा है, और दूसरी तरफ शिवसेना का नाम भी बदनाम हो रहा है। अभी पता नहीं किसी ने सुपारी लिया है मनसे का नाम खराब करने का, लेकिन हम लोग के शरीर में जो पतन थी महाराष्ट्र में, हम लोग हमारा जो ध्यान है सबके ऊपर है, और हम लोग को तुरंत पता चलता है
कौन क्या कर रहा है। आपने इस मामले की शहर निशा कहीं ना कहीं जो शिवसेना के नेता है नारा सुपारा उनसे की कहते हैं आपके माध्यम। मुझे काफ़ी फ़ोन आए, मैंने उनको बताया कि पता नहीं है किसने फ़ोन आ रहा है, उन्होंने भेजा है उनके जेब में सभासद मोदी को मनसे का कार्ड होता है, उनके पर्स में मिला मुझे तो पता चला ये शिवसैनिक है। मैंने उनको जो मुझे आपने बताया कि आप सीधे शिवसैनिक से बात किया था, मैंने बात किया, मुझे फ़ोन आए थे, उनको बताया कि उन्होंने आई डी उनके जेब में मिला है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने गलती ये माना कि हम उनसे गलती हुआ आई तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, कान पकड़े उन्होंने। और अभी वो फेक आई डी है उसे पता नहीं, लेकिन जेब में उनका नाम उन्होंने वीडियो में आपने देखा रहेगा तो वायरल हो, उन्होंने कबूल किया है कि वो मेरा आई डी है। गलती इस तरह के अगर आगे करते हैं मंत्री का मुझे नहीं लगता इस तरह अभी आइंदा वहाँ पे आएगा ना, अगर आप अगर आइंदा वापस ऐसा हो जाएगा तो आपको पता है मंत्री क्या करती है। तो हमसे बात कर रहे थे प्रफुल्ल यादव, उन्होंने बताया किस तरह से त्योहारों में जो तिरंगा उगाई होती है तो वहाँ जेब में आईडी कार्ड शिवसेना का, शिवसेना पार्टी का जो जो महाराष्ट्र की लीडिंग सत्ता पार्टी है, और जो पावती दी जा रही है, जो चंदा वसूली की जा रही है, वो पावती मनसे के नाम की, यानी कहीं ना कहीं किस तरह से दोहरे तरह से लोगों के साथ में जो धन उगाही चल रही थी उसका भंडाफोड़ उन्होंने किया है। अभी वो लोग कौन थे, वास्तव में शिवसैनिक थे या नहीं थे, इसका भी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं, और मन से क्या तो थे ही नहीं, ये बात जाहिर होती है। तो इस तरह के मामले होते हैं तो हमें भी सजग रहना चाहिए, और ऐसी चीज़ों पर जागरूकता ही हमको होने वाली हानि से बचा सकती है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।